हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं शहाबुद्दीन भारती। आज हम ये जानेंगे कि अपने कंप्यूटर सिस्टम में नोटपैड का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए सबसे पहले हम विंडोज बटन पर क्लिक करेंगे और इसके सर्च बार में हम टाइप करेंगे नोटपैड, NOTEPAD। इसके बाद इंटर क्लिक करेंगे। हमारे सामने नोटपैड ओपन होकर आ चुका है। तो अब यहाँ पर मेन्यू बार में सबसे पहला ऑप्शन जो है वो फाइल मेन्यू का है। फाइल मेन्यू का शॉर्टकट की Alt+F है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर नो न्यू का ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने न्यू विंडोज खुलकर ओपन हो आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट टाइप करते हैं। माई नेम इज शहाबुद्दीन भारती। ये एक टेक्स्ट मैंने सेव कर टाइप कर लिया है। अब इसके बाद हम इस टेक्स्ट को हम सेव करने के लिए दोबारा से हम फाइल मेन्यू पर जाएंगे। फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है जिसका शॉर्टकट ही Ctrl+S है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेव का डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आ जाएगा और यहाँ हम लोकेशन अपना सेट कर सकते हैं। लोकेशन सेट करने पर यहाँ पर हमने डेस्कटॉप को ले लिया है और उसके बाद हम फाइल नेम डालेंगे। फाइल नेम हम यहाँ पर डालते हैं वर्क के नाम से, WORK वर्क के नाम से हमने फाइल नेम डाल दिया है और उसके बाद सेव पर जाकर हम इस फाइल को सेव कर लिया है। जैसे ही हमने इस फाइल को सेव किया तो टाइटल बार में जहाँ पे अनटाइटल लिखा आ रहा था अब वर्क आने लगा है। गोया कि ये फाइल हमारा सेव हो चुका है। इस फाइल सेव फाइल को चेक करने के लिए हम ओपन पर क्लिक करेंगे जिसका शॉर्टकट की Ctrl+O है। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अब यहाँ पर ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन आ चुका है। फाइल नेम जैसे ही हम डालेंगे तो जैसे यहाँ पर आपको वर्क नजर भी आ रहा है, जैसे ही हमने फाइल नेम यहाँ पर डालेंगे और ओपन करेंगे तो ये फाइल हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो न्यू विंडोज का है। न्यू विंडोज मतलब एक हमारा जो विंडोज खुला हुआ है, अगर इसी तरह हम दूसरा एक नया विंडोज में कुछ नया टाइप करना चाहते हैं तो जिसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N है, तो इसके लिए हम न्यू विंडोज पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए एक बैक में आपको नजर आ रहा है जो पहले से हमारा खुला हुआ है, जो सेव फाइल है हमारा, और दूसरा ये अनटाइटल देखिए लिखा है जो कि ये नया खुल चुका है हमारे सामने। तो इसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल मेन्यू का वो सेव अस का है। ये फाइल हमारा जो सेव है वो वर्क के नाम से सेव है। अगर इसी फाइल को हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं, दूसरे नाम से फाइल सेव करना चाहते हैं तो सेव अस पर जाकर क्लिक करेंगे और इसके फाइल नेम को सर्च करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, हम फाइल पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सेव अस का, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S है। जैसे हम इस पर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने दोबारा से सेव अस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। हम फाइल नेम में यहाँ पर पहले से हमारा जो सेव है वो वर्क के नाम से है, अब दूसरा हम भारती के नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेम मैटर का हमारा दूसरा फाइल बन जाएगा, यानी गोया के उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। अब यहाँ फाइल नेम हमने डाल दिया, सेव पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि टाइटल बार में भारती के नाम से शो कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो पेज सेटअप का है, पेज सेटअप पर जाकर हम अपने पेज को सेट कर सकते हैं और यहाँ पे ओरिएंटेशन, मार्जिन, हाइडर, फुटर को हम यहाँ पे सेट करके उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, ये हमारा पेज सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट का है, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+P है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी हम सेट करके अपने प्रिंटर प्रिंट पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारे अगर हम इसको प्रिंट निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा फिर इससे प्रिंट। और आखिरी और नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है एग्जिट का। जैसे ही हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने जो ये नोटपैड का डायलॉग बॉक्स ओपन है विंडोज, ये मुकम्मल तौर से ये क्लोज हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।